अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की एसएसटी की टीचर सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल से। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 12। तो लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेक्चर नंबर 11 को रिवाइज करेंगे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो ग्रेड 1 हम लोग होम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने बोला था कि सबका होम क्या है, ब्यूटीफुल है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, घर सबका ब्यूटीफुल होता है। उसके बाद हमने बोला था कि आपके घर में आपके साथ आपके ब्रदर और सिस्टर रहते हैं और आप लोग मिलकर गेम्स खेलते हैं और आप लोग घर में बहुत ही हैप्पी फील करते हैं। वेरी गुड। आप लोगों को कल का लेक्चर लर्न था, तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने होम में कुछ टाइम ऐसा होगा कि आप लोग सिट करते होंगे, बैठते होंगे किसके साथ, अपनी फैमिली के साथ। ऐसा ही है ना, आप सब लोग अपनी फैमिली को टाइम देते होंगे, उनसे बातें करते होंगे। तो प्यारे बच्चों, अपनी फैमिली के साथ बैठना बहुत जरूरी है। अपनी फैमिली के साथ दुख सुख करना, उनको उनके साथ अपनी खुशी जाहिर करना, खुशी का इजहार करना, अपने दुख का इजहार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जब आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठेंगे तो आप लोगों की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, आप लोगों का रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप लोग अपनी फैमिली के साथ बैठें, अपनी हर चीज को शेयर करें, अपनी फैमिली को टाइम दें और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अपने होम को क्लीन रखें। ट्राई करें कि अपने होम को क्लीन रखें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने दो बातें सीखी कि आप लोगों ने कुछ वक्त अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना है, उनके साथ बैठना है ताकि आप लोगों का रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो सके। नाउ ओपन योर बुक्स ऑफ एसएसटी, राइट डे एंड डेट और आप लोग मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। आई सिट विद माय फैमिली, आई सिट मैं बैठता हूँ विद माय फैमिली अपने खानदान के साथ। एंड वी टॉक और हम बातें करते हैं टू ईच अदर एक दूसरे से। वी कीप हम रखते हैं आर होम अपने घर को क्लीन साफ। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक रिवाइज करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ एक दफा रिपीट करें। आई सिट विद माई फैमिली एंड वी टॉक टू ईच अदर, वी कीप आर होम क्लीन। यहाँ तक हम आज तक पढ़ेंगे आज के लिए। इस लाइन को आप 2-3 दफा रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप लोग अपनी नोटबुक्स को ओपन करेंगे। सो माई डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट डे, डेट, टिक द होमवर्क एंड टॉपिक इज होम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज योर हाउस नंबर। ग्रेड 1 आप लोगों ने अपना हाउस नंबर बताना है। आप लोग आंसर की हेडिंग देंगे माय हाउस नंबर इज। प्यारे बच्चों, यहां से आप लोग अपनी मामा से पूछकर अपना हाउस नंबर लिखेंगे और उसे अच्छे से लर्न करेंगे। आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे और डे लिखेंगे, डेट लिखेंगे, होमवर्क को टिक करेंगे और टॉपिक है वर्ड्स मीनिंग्स। मार्जिन लाइन लगाएंगे आप लोग, एक तरफ वर्ड्स लिखेंगे और दूसरी तरफ मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है कीप, सेकेंड वर्ड है क्लीन, थर्ड वर्ड है सिट। प्यारे बच्चों, कीप का मीनिंग क्या है? कीप का मीनिंग होता है रखना। क्लीन मीन साफ और सिट मीन आप सबको पता होगा बैठना। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वर्क। इसको अच्छे से याद करेंगे आप लोग और इसको रफ रजिस्टर पे मामा को टेस्ट देंगे। प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो।